भारत के स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए उनका नाम स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है और भारत के इतिहास में उनका नाम अमर शहीद के नाम से पुकारा जाता है। स्वतंत्र भारत में पिछले अनेक वर्षों में प्रगति हुई है, उसका श्रेय हमारे देश के सभी नागरिकों को है। कुछ तो स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं और कुछ लोग देशद्रोही होते हैं। स्वाधीनता संघर्ष के दिनों में भी कुछ देशद्रोही लोग थे जो अंग्रेजी साम्राज्य का ही साथ देते थे और स्वाधीनता आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपते थे। दूसरी ओर स्वाधीन भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिनका दृढ़ संकल्प था देश को स्वराज्य दिलाना। उनके दृढ़ विश्वास एवं दृढ़ता पूर्वक कार्यवाही करने के परिणाम स्वरूप ही आज की दुनिया में अनेक समृद्ध राष्ट्र भारत की इस प्रगति को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। हमारे देश में हर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया है और हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य शिक्षा की कल्पना की गई है। प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा देने का कार्य प्रांतीय सरकारों के अधीन गठित नगर पालिकाओं अथवा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के हाथों में सौंप दिया गया है। उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा देने का दायित्व प्रांतीय सरकारों का है। शिक्षा के क्षेत्र में हरिजन और आदिवासियों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा के अतिरिक्त पुस्तकें भी सुलभ कराई जाती हैं। सभी हरिजन और आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। जहां तक नौकरियों का सवाल है, उनको नौकरियों में प्रोत्साहन देने के लिए उनके लिए सुरक्षित स्थान हैं। उच्च शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के लिए भी उनके स्थान सुरक्षित किए गए हैं। विदेशी सरकारों द्वारा जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनमें भी उनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं ताकि हमारे समाज का जो कमजोर अंग है वह उन्नति करे और समाज के निर्माण में बराबर का साझीदार हो सके। अस्पृश्यता निवारण के लिए सरकार की ओर से अनेक कानून बनाए गए हैं। सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी अस्पृश्यता के अपराध को मिटाने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं, किंतु इन वर्गों की जनसंख्या दूसरे वर्गों के अनुपात से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त शहरों में कमजोर वर्गों के लिए अधिक ध्यान देना संभव हो सका है, लेकिन देश भर में फैले गांवों में असंख्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजली नहीं देखी, रेलगाड़ी नहीं देखी या जन जीवन के जो आधुनिक साधन उपलब्ध हैं उनकी जानकारी उनको नहीं हो सकी है। श्रीमान जहां सरकार का सारा ढांचा सत्तारूढ़ दल की सहायता के लिए सक्रिय हो जाता है, वहां चुनाव में घेराबंदी की लड़ाई नहीं रहती। विपक्षी दलों को एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए विवश किया जाता है जिसमें वे गहरे प्रतिकूल वातावरण में संघर्ष करते हैं। इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है कि चुनावों में मंत्रियों को वायुसेना के विमान, हेलीकॉप्टर व अन्य वाहनों का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। जो संयुक्त प्रवर समिति बनी थी चुनाव कानून में संशोधन करने के लिए, उसने भी इस प्रश्न पर विचार किया, लेकिन बहुमत की रिपोर्ट यह है कि सरकारी साधनों का दुरुपयोग राजनीतिक दलों में मतैक से रोका जा सकता है। एक परंपरा विकसित की जानी चाहिए जिससे इस तरह के साधनों का दुरुपयोग ना हो। सत्तारूढ़ दल कानून के द्वारा इस भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए तैयार नहीं हैं। चुनाव के दिनों में प्रधानमंत्री दौरा करें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री अपना दौरा प्रधानमंत्री के नाते नहीं करती हैं, पार्टी की नेत्री के नाते दौरा करती हैं। फिर कोई कारण नहीं है कि उन्हें वायुसेना के विमान उपलब्ध किए जाएं, चार चार हेलीकॉप्टरों की कतार उनके साथ उड़े, पीडब्ल्यूडी मंचों की व्यवस्था करे,
और बैठने की व्यवस्था पुलिस के जिम्मे हो। अन्य दलों को यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, इससे अन्य दल बड़े घाटे में रहते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भी हेलीकॉप्टर में उड़ने लगे हैं, अन्य मंत्री भी हवा में उड़ते नजर आते हैं। कानपुर से उन्नाव, जिसकी दूरी 13 मील है, उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते थे। वहां पर उनको सुनने के लिए अधिक भीड़ भले ही ना आए, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए जनता जरूर जमा हो जाती है। मेरा निवेदन है कि इस तरह के साधनों का दुरुपयोग जनता में आक्रोश की भावना पैदा कर रहा है, प्रतिपक्ष में असहायता का भाव जगा रहा है, उसके मन में यह रोष उत्पन्न कर रहा है कि चुनाव की लड़ाई बराबर की लड़ाई नहीं है, और जो दल एक बार सत्तारूढ़ हो गया है वह सत्ता हाथ में बनाए रखने के लिए सब कुछ उपाय करेगा। जहां तक परंपरा को विकसित करने का सवाल है, सरकार ने ऐसी परंपरा का विकास करने के लिए क्या किया है? क्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई?